पहला पाकिस्तानी कौन था? लाजम तौर पर हम आप कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि पाकिस्तान बनाया तो जिन्ना नहीं, लेकिन जिन्ना का अपना देश पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता। 1997 में पाकिस्तान के बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक पत्रिका छपी, 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें लिखा था मोहम्मद बिन कासिम पहले पाकिस्तानी थे। अब सवाल ये कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? ये नाम था एक अरब कमांडर का जिसने 7वीं सदी में सिंध पर हमला किया था। आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि तब पाकिस्तान जैसे किसी देश का अस्तित्व तो था नहीं, फिर कासिम पहले पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? चौंके मत, कट्टर राष्ट्रवाद की लेबोरेटरी से अक्सर ऐसे नगीने पैदा हो जाते हैं। दरअसल 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो पाकिस्तानी सरमायेदारों ने इस तोहमत से बचने के लिए एक नया इतिहास गढ़ना शुरू किया और कहने लगे कि सिंधु नदी के पश्चिम का जो इलाका है वो सदा से पाकिस्तान था। इस तरह उन्होंने लॉजिक दिया कि बांग्लादेश तो कभी असली पाकिस्तान था ही नहीं। जियाउल हक के जमाने में थ्योरी एक कदम और आगे बढ़ी। उस दौर में नैरेटिव शुरू हुआ कि पाकिस्तान की जड़ें असल में अरब से निकली हैं। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी, गजनवी और कासिम जैसे लोग पाकिस्तान के हीरो बन गए और पीछे छूट गई उनकी कहानी जिन्होंने असल में पाकिस्तान को आक्रमणकारियों से बचाया था। इनमें से एक नाम है राजा दाहिर का। साल 2020 में राजा दाहिर का नाम पाकिस्तान में खूब उछला। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति लगाने के बाद सिंध प्रांत के कुछ सहाफियों ने राजा दाहिर को सिंध का हीरो करार देने की मांग शुरू कर दी। धरम खान नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के बच्चों को स्कूलों में सच बताया जाए और उन्हें अरब और मुगल इतिहास की बजाय अपना इतिहास पढ़ाया जाए। तो आज हम जानेंगे क्या थी राजा दाहिर की कहानी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया और क्यों राजा दाहिर को सिंध के कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ ये इलाका बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से चला गया था। एक वक्त में मौर्य वंश के अधिकार में था। 489 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक सिंध पर राय वंश का शासन रहा। राय वंश की कहानी सिंध के उस दौर के इतिहास की इकलौती किताब चचनामा से पता चलती है। राय वंश के आखिरी राजा का नाम था साहसी राय। आखिरी दिनों में उनके राज्य की बागडोर एक विवाह ब्राह्मण के हाथ आ गई थी। इस व्यक्ति का नाम चच था। चच के बारे में कहा जाता है कि राजा साहसी राय की पत्नी सुहानादी उन्हें दिल दे बैठी थी। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए राजा साहस राय की मौत के बाद उन्होंने चच को शादी का प्रस्ताव दिया और दोनों ने शादी कर ली। इस तरह चच सिंध के पहले ब्राह्मण राजा बने। उनकी मृत्यु के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे दाहिर ने। दाहिर के राजा बनने की कहानी भी काफी रोचक है। चचनामा के अनुसार दाहिर ज्योतिष विद्या पर खासा भरोसा करते थे। एक रोज एक ज्योतिष ने उनकी बहन की कुंडली देखकर बताया कि जो उससे शादी करेगा वही सिंध पर राज करेगा। ये सुनकर दाहिर ने अपने साथियों से मंत्रणा की और तय किया कि वो उसके साथ शादी कर लेंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं सिर्फ नाम की शादी थी जिसके बाद दाहिर सिंध के राजा बन गए। राजा दाहिर के शासनकाल में सिंध खूब फला फूला। उनकी हुकूमत पश्चिम में मकरंद तक, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तक, पूर्व में मौजूद मालवा के केंद्र और राजपुताने तक और उत्तर में मुल्तान से गुजरकर दक्षिणी पंजाब तक फैली हुई थी। सिंध से जमीनी और समुद्री व्यापार भी होता था। सिंध के वैभव को देखते हुए ये आक्रमणकारियों के निशाने पर भी आया। ये आक्रमण अरब देशों की तरफ से होते थे। 9वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार अल बालाधुरी ने सिंध पर अरब आक्रमण का ब्यौरा दिया है। उसके अनुसार मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर के वक्त में थाने और दीबल बंदरगाह तक अरब नौसैनिक अभियान चलाए गए थे लेकिन इन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान वो कुछ समय तक बलूचिस्तान के मकरन इलाके पर कब्जा करने में सफल रहे थे। कुल मिलाकर अरब की तरफ से सिंध पर 14 बार आक्रमण की कोशिश हुई लेकिन 14 बार वो असफल रहे। 15वीं कोशिश में जिस अरब कमांडर को सफलता मिली उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया, इसके लिए थोड़ा तब की परिस्थितियों को भी समझ लेते हैं। हुआ यूं कि 661 ईस्वी में चौथे खलीफा अली की मौत के बाद सीरिया में उमैयद खिलाफत की नींव पड़ी। उमैयदों के काल में बगदाद के गवर्नर हुआ करते थे हुज्जाज बिन यूसुफ। एक बगावत के चक्कर में उन्होंने माविया बिन हारिस अलाफी और मोहम्मद बिन हारिस अलाफी नाम के दो भाइयों को मारने का हुक्म दिया। चचनामा के अनुसार हुज्जाज से बचने के लिए अलाफी भाई पहले मकरन और फिर वहां से राजा दाहिर के दरबार में पहुंचे। गवर्नर ने दाहिर को पत्र लिखकर मांग की कि अलाफियों को उन्हें सौंप दें लेकिन राजा दाहिर ने इसे इनकार कर दिया। यानी ये घटना राजा दाहिर और अरब देशों के बीच दुश्मनी की एक वजह बनी।
एक दूसरी वजह भी थी। चशनामा के अनुसार एक बार श्रीलंका के एक राजा ने गवर्नर हुजाज बिन यूसुफ के पास एक जहाज में कुछ तोहफे भिजवाए, लेकिन इस जहाज को दीबल बंदरगाह के पास लूट लिया गया। जहाज में कुछ औरतें भी मौजूद थी, उन्होंने हमलावरों की कैद से फरार होकर गवर्नर हुजाज को लेटर लिखा और मदद मांगी। इसके बाद गवर्नर ने राजा दाहिर को एक और खत लिखा और उनसे लूटा हुआ माल और औरतें वापस मांगी। इस बार भी राजा दाहिर ने कहते हुए इनकार कर दिया कि ये लूटमार उनके इलाके में नहीं हुई थी। इन दोनों घटनाओं से खफा होकर गवर्नर ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 6,000 की फौज लेकर मोहम्मद कासिम सिंध की ओर रवाना हुआ। जैसे ही राजा दाहिर को कासिम के आने की खबर मिली, उनके वजीर ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ पनाह लेने के लिए चले जाए। इस पर राजा दाहिर ने जवाब दिया, उनसे कहना, अरब और तुम्हारे बीच में आखिरी दीवार हूँ, अगर ये दीवार गिर गई तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। ये साल था 708 ईस्वी। दीबल से शुरुआत कर वो एक एक कर सिंधु नदी के पश्चिमी इलाकों को कब्जाता गया। इस युद्ध के बारे में हमें ज़्यादा ब्यौरा नहीं मिलता सिवाय इसके कि सिंधु नदी पर मोहम्मद बिन कासिम का सामना राजा दाहिर की सेना से हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर की मौत हो गई और कासिम ने उनका सर काट कर गवर्नर हुजाज के पास बगदाद भिजवा दिया। इस दौरान सिंध से लूटा हुआ बहुत सा माल भी बगदाद भेजा गया। कासिम ने खुद गवर्नर बनकर 3 साल तक सिंध पर राज किया। कासिम की मौत कैसे हुई इसको लेकर भी चशनामा में एक रोचक कहानी मालूम पड़ती है। राजा दाहिर की मौत के बाद उनकी दो बेटियों सूर्य देवी और पिरमल देवी को गुलाम बना लिया गया और उन्हें खिलाफत की राजधानी दमिश्क भेज दिया गया। एक रोज खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सूर्य देवी को अपने पास बुलाया। तब सूर्य देवी ने जवाब दिया कि आप महान हैं लेकिन मैं गुलाम आपके लायक नहीं हूँ। खलीफा ने पूछा क्यों, तो सूर्य देवी ने जवाब दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें और उनकी बहन को 3 दिन अपने साथ रखा था। उसके बाद वो बोली कि इतने बड़े राजा के सामने हम इस्तेमाल की हुई वस्तु नहीं पेश करना चाहते। ये सुनते ही खलीफा का खून खौल उठा। उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखी और मोहम्मद बिन कासिम के नाम एक आदेश लिखा। ये आदेश था कि कासिम जहां भी हो चमड़े में लपेट कर उसे खलीफा के सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामील हुई। कासिम को एक चमड़े के लबादे में लपेट कर संदूक में डाला गया और खलीफा के पास भेजा गया। संदूक में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जब उसका शव दमिश्क पहुंचा तो सूर्य देवी ने खलीफा को सच्चाई बताई कि ये कहानी उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए रची थी। ये सुनकर खलीफा ने दोनों बहनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। मोहम्मद बिन कासिम की मौत की एक कहानी है। इतिहासकार अल बालाधुरी ने एक दूसरा ब्यौरा पेश किया है जिसके अनुसार हुजाज बिन यूसुफ की मौत के बाद बगदाद में एक नया गवर्नर बना और उसने हुजाज से दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को मरवा डाला। बहरहाल इतना तय है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध का पहला इस्लामी शासक था। और ऐसा कहने से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान का धार्मिक कट्टरपंथी धड़ा क्यों कासिम को पाकिस्तान की पहचान के तौर पर देखता है। हालांकि इसके मुख्तलिफ आवाज़ें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो याद दिलाती रहती हैं कि राजा दाहिर सिंध की रक्षा के लिए कुर्बान हुए थे। बहरहाल कहानी को पूरा करने के लिए जान लेते हैं कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बाद क्या हुआ। सिंध पर कब्जा करने के बाद 725 ईस्वी में अरबों ने बाकी भारत पर भी आक्रमण की कोशिश की, लेकिन मेवाड़ के राजा बापा रावल के हाथों उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा अरबों ने काठियावाड़ और दक्कन पर हमले किए, लेकिन दक्कन में महाराजा विक्रमादित्य के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। काठियावाड़ की हार के बाद खलीफा अल मेहदी के दौर में अरबों ने भारत जीतने की उम्मीद छोड़ दी। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।